प्रदेश पार्टी मुख्यालय को कोई पत्र या आधिकारिक पत्र नहीं, सोशल मीडिया में निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात मैंने देखा है। तो निजी कारण का तो एक अपना व्यक्तिगत कारण हो सकता है, और उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया, न किसी को संबोधित पत्र हुआ है, न पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इसके औपचारिक सूचना है। कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी फैसला लेते हैं तो केरल में जाके बोलना पड़ रहा है, और इसकी धमक ऐसी होती है कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, तो तमाम विरोधी दल से जब संवाद होता है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का भी बयान आता है। तो बिहार की धमक का एहसास तो भाजपा को बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। भाजपा के अंदर बेचैनी है क्या? प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, क्या कुछ कारण रहा? जो प्रदेश पार्टी मुख्यालय को कोई पत्र या आधिकारिक पत्र नहीं, सोशल मीडिया में निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात मैंने देखा है। तो निजी कारण का तो एक अपना व्यक्तिगत कारण हो सकता है, और उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया, न किसी को संबोधित पत्र हुआ है, न पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इसके औपचारिक सूचना है, तब इसके बारे में औपचारिक प्रतिक्रिया क्या दिया जाए? निजी कारण में तो कोई औपचारिक बात हो नहीं सकती। पर वो 6 वर्षों से प्रवक्ता के पद पर थे, पर अचानक ऐसा, तो इसके बारे में तो निजी कारण वही ना बताएंगे भाई, समयाभाव है, क्या कारण है, वो तो वही बताएंगे। कोई राजनीतिक कारण होता तो हम बताते, उसका जवाब देते, लेकिन निजी कारण, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार के यूटर्न राजनीति के कारण ही इस्तीफा दे रहे हैं सभी लोग। ओ, भारतीय जनता पार्टी, अभी तक एहसास नहीं हुआ है क्या कि बिहार की धमक कहां तक पहुंची है? ये तो भारत की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी फैसला लेते हैं तो केरल में जाके बोलना पड़ रहा है, और इसकी धमक ऐसी होती है कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, तो तमाम विरोधी दल से जब संवाद होता है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का भी बयान आता है। तो बिहार की धमक का एहसास तो भाजपा को बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। भाजपा के अंदर बेचैनी है क्या? मंत्री लेसी सिंह पर जेडीयू के विधायक बीमा भारती आरोप लगा रही है, कह रही है कि उन्होंने हत्या करवाया है। देखिए, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, पार्टी यह अपेक्षा करती है कि अगर कोई बात है तो आपस में ही संवाद कर करके पार्टी का प्रदेश नेतृत्व सक्षम है। ना पार्टी को कोई औपचारिक रूप से लिखित मुख्यालय में जानकारी लिया, तो अब इनका मीडिया के माध्यम से आया तो पार्टी के संज्ञान में भी आया है, तो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व सक्षम है। ऐसे विषय को अपवाद को संवाद नहीं मानना चाहिए, ये एक अपवाद की घटना, इस पर पार्टी संवाद करेगी। क्या लगता है कि पार्टी कार्रवाई करेगी? पार्टी के नेतृत्व को जानकारी, ये अधिकार मेरे अधिकार क्षेत्र में मेरा है नहीं। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हम इतना ही कह सकते हैं ना कि मीडिया के द्वारा संज्ञान में आया तो यह स्वतः पार्टी के संज्ञान में आ गया। जब पार्टी का संज्ञान में आ गया तो पार्टी ससमय इसका समाधान निकालेगी।